गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। और आज हम ग्रामर का जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस के बाद, वो है नंबर। वचन, वचन किसे कहते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा है वचन किसे कहते हैं। वचन अगर हमें किसी संख्या का एक या एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो तो हम उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन दो प्रकार के थे हमारे, एक वचन और बहुवचन। आज उसी को हम इंग्लिश में करने जा रहे हैं, नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, वचन रचना। तो शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, वचन रचना, यानी कि वचन किसे कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और उसको नोट करते रहें। ठीक है, तो अ नाउन दैट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी वन और मोर इज कॉल्ड नंबर। मतलब जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा इनके नाउन कहते हैं। अगर हमें उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा का पता लगे कि वह एक है या एक से ज्यादा है तो हम उसे नंबर कहेंगे। क्लियर है। तो नंबर के टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, दो प्रकार के हैं। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, इनके एकवचन और दूसरा है बहुवचन। तो हम इसको लिख लेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ नंबर। नंबर के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा है। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जो सिर्फ एक हो, सिंगल हो, सिंगल सिंगुलर। क्लियर, के जो चीजें एक है वो हम क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर, एकवचन। और जो चीजें एक से ज्यादा है उसको हम कहेंगे प्लूरल, यानी के मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर हम कर लेते हैं, दैट डिनोट्स ओनली सिंगल नाउन। क्लियर, दैट डिनोट्स ओनली सिंगल नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे अ पेन, अ बुक। ठीक है, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि यह सिंगल है। जैसे मैंने लिखा बुक, पुस्तक, अ बुक, एक पुस्तक है यह। अगर जैसे हम हिंदी में करते हैं पुस्तक और उसका बहुवचन करते हैं पुस्तकें, करते हैं ना, कलम, कलमे, बच्चा, बच्चे। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी हम ऐसे ही करते हैं, बॉय, बॉयज, पेन, पेंस। ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, गर्ल, गर्ल्स, स्कूल, स्कूल्स। इस प्रकार हम सिंगुलर और सिंगुलर को प्लूरल करते हैं। क्लियर है। तो दूसरा है हमारा प्लूरल नाउन, दैट डिनोट्स मोर देन वन नाउन, एक से अधिक संख्या अगर है तो वह प्लूरल नाउन, एक प्लूरल नंबर कहलाती है। जैसे हमने अभी किया है, बुक्स है, चिल्ड्रन है, बॉयज है, स्कूल्स है। तो ये हमारे एक वचन और बहुवचन, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। क्लियर है आपको। तो आगे हम इसके जो फॉर्मेशन के, यानी कि सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं कि किन के पीछे, जैसे एस लगता है या हम ई एस लगा देते हैं या वाई काट के आई ई एस लगाते हैं, इस प्रकार के कुछ नियम हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर फ्रॉम सिंगुलर। ठीक है, जो पहला नियम है हमारा, पहला नियम, अधिकतर जो प्लूरल है
हमारे वो सिंगुलर नंबर के पीछे सिर्फ एस लगाने से ही बन जाता है, जैसे कैट, कैट्स, बैट, बैट्स, रैट, रैट्स, पेन, पेंस, बुक, बुक्स। तो इस प्रकार सिर्फ एस लगाने से ही मोस्टली जो सिंगुलर नंबर है वो हमारे प्लूरल बन जाते हैं। बट सेकंड जो हमारा रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, मतलब कोई भी हमारा नाउन है, यदि उसके एंड में क्या क्या हो, एस एच, सी एच, एक्स, एस या डबल एस, अगर इनमें से हमारा कुछ भी है, एस एच, सी एच, एक्स, एस और डबल एस, तो हम उसमें ई एस लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम ले लेते हैं, हमारा शब्द है फॉक्स। अब हमने यहां पे देखा कि इसके अंत में क्या है, एक्स, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, एफ ओ एक्स ई एस, ठीक है। अगर हमारा है शब्द बेंच, तो हमने देखा इसके पीछे सी एच है, तो हम प्लूरल में बनाते हैं, क्या कर देंगे इसका, बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस। क्लियर है? तो कहीं भी आपको ये अगर दिखाई दे रहे हैं किसी शब्द के पीछे एस एच, सी एच, एक्स, एस और डबल एस, तो हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय सिंपल ई एस उसके अंदर एड कर देंगे। थर्ड नियम है हमारा, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट की बात वाई हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यदि किसी व्यंजन के बाद वाई हो तो क्या करते हैं, हम उसे प्लूरल बनाने के लिए वाई की जगह आई ई एस, वाई को काट दिया जाता है और वाई से हम आगे शुरू लेना करते हैं I E S, Y की जगह क्या लिख देंगे हम, I E S। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, स्टोरी, क्या है स्टोरी, स्टोरी की जो स्पेलिंग है S T O R Y, अब इसके पीछे हमने देखा पीछे अंत में है Y और Y से पहले है हमारा R, R क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे S T O R, y नहीं लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे हम I E S, stories। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हम लिखा कंट्री, तो इसके पीछे भी क्या है हम देखते हैं C O U N T R Y, y से पहले क्या है R, और R हमारा कंसोनेंट है, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे C O U N T R I E-S, countries। क्लियर? गुड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नियम है, यदि किसी नाउन के अंत में वावल के बाद वाय हो, यहां पे हमने जो नियम किया था यहां था कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाय है तो वह वाय कट के आई ई एस हो जाता है, बट यदि वहां पर वावल साउंड है, स्वर, तो हम क्या करेंगे, y को नहीं काटेंगे और उसके पीछे सिंपल s लगा देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट नियम में पढ़ा था कि कई जो शब्द है उनके पीछे s लगता है, वो यहीं से है कि यदि उनके पीछे वावल के बाद y है तो हम सिर्फ s लगा देंगे, जैसे हमारा है ट्वाई। अब ट्वाई में हमने देखा पीछे y तो है और y इस नियम में भी था, लेकिन यहां पर क्या है हमारा वावल, स्वर है, तो O है O A E I O U, ये हमारे पांच वावल हैं, तो इनके पीछे हम क्या लगाएंगे, सिर्फ S, और ट्वाय का हमारा बन गया ट्वाइस। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं हमारा पांचवा नियम, जिसका यदि नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में क्या हो, O,
हमारा ओ आता है तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मैंगो, एम ए एन जी ओ, तो हम क्या लगाएंगे इसके पीछे, सिर्फ ई एस लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे, एम ए एन जी ओ ई एस। इसी प्रकार जैसे हमारा पोटैटो है, टोमेटो है, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनके पीछे ओ आता है हम उसमें सिंपल ई एस लगाकर उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे जो है हमारा सिक्स जो पॉइंट है, यानी रूल है इसका, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, क्या हो, एफ या एफ ई, तो उन्हें एफ और एफ ई को काट कर उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वी ई एस। जैसे हम उदाहरण लेते हैं वाइफ, W I F E, अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, W I V E S, वाइफ। क्लियर है, जैसे नाइफ है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसके पीछे F या F E आता है तो हम उसको काट कर उसकी जगह V E S प्लूरल बनाएंगे, उसको लगा देंगे। जो हमारा लास्ट नियम है, इसमें कुछ जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके जो वोवल्स हैं उन्हीं को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारा है टूथ, अब इसका मतलब है सिंगुलर एक दांत। अगर हमें अपने 32 के 32 दांत के बारे में बताना है तो हम क्या लगाएंगे, टी डबल ई टी एच, टीथ। तो हमें इसके पीछे ना एस लगाया, ना वाई ई एस, ना वी ई एस, कुछ नहीं लगाया। हमने क्या किया, सिंपल जो हमारे वोवल्स थे उन्हीं को हमने चेंज कर दिया, टूथ का बना दिया हमने टीथ। क्लियर है, ऐसे ही जैसे एम ए एन मैन, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, एम ई एन मेन। ठीक है, तो आज के जो हमारे नियम थे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, यानी कि नंबर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, और उसमें जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उस जो फॉर्मेशन है उसकी, उसको बनाने के नियम हैं, वो हमने मोटे मोटे आपके तो गिना दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें से मेरे ख्याल से तो कुछ बचा नहीं है, बाकी आप घर पे ट्राई करो सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। पहचान हमने आपको सारी क्लियर कर दी गई है, तो यहाँ इसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा। आज का जो हमारा टॉपिक था नंबर, वो खत्म। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।